अधीन होकर पूर्व समर्पित भाव से गुरु के कल्याण तथा प्रसन्नता हेतु पुत्रीवत आचरण करूंगी। मेरा व्यवहार सत्तापूर्ण सेवा कार्य तथा उदंडता और ईर्ष्या से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी, आज्ञा पालक, विनम्र, निरंतर मननशील एवं शांति युक्त रहूंगी। गुरु के अभीष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहूंगी। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करूंगी। अत्यधिक व्यस्तता एवं विश्रांति की अवस्था में भी मैं दिन रात रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगी। निस्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगी तथा परिस्त्री एवं प्राय धन की कामना नहीं करूंगी। अनाथिकता मेरे विचारों में भी नहीं आएगी। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, अनंत वर्धक सत्य हितकारी तथा विनम्रवाणी प्रयुक्त करूंगी तथा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान के विकास एवं नवीनतम उपलब्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगी। किसी स्त्री की चिकित्सा, उसके पति अथवा आत्मीय की उपस्थिति में ही करूंगी। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ध्यान एवं इंद्रियां रोग निदान हेतु ही केंद्रित होंगी। मैं रोगी या उसके घर से संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगी। मैं मरणास्त्र रोगी की विवेचना नहीं करूंगी, क्योंकि वह रोगी या उसके आत्मीयजनों का आघात कर हो सकती है। मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगी, क्योंकि इससे रोगी के सर्जन अपमानित अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।